तो आचार्य जी, अब राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। राशियों के अनुसार कैसा बीतेगा आज का दिन? बिल्कुल योगिता जी, शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जातकों का दिन आज थोड़ा सा सामान्य है। मन की जो चिंता है वो अब थोड़ी कम होने लगेगी। आज दोपहर के बाद से समय थोड़ा सा बेहतर होने लगेगा, लेकिन सुबह प्रातः काल अपने आप को थोड़ा सा बेहतर रखें। कामकाज के लिहाज से आज का दिन साधारण है। यदि आप अपने पार्टनर या प्रेम संबंधी से मिलने जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, आज आप उससे बहस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातकों का समय बढ़िया बना हुआ है। देखिए, राशि स्वामी इस समय पराक्रम भाव में मंगल के साथ युति बनाकर बैठा है, आपको थोड़ा अति आत्मविश्वास देगा, लेकिन आप अपने कार्यों को धैर्य और पेशेंस से जरूर करिए। आज आपके द्वारा सोचे गए काम बहुत आसानी से संपन्न होंगे। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों का समय उतना बेहतर नहीं है। देखिए, बुध ग्रह कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर पड़ा हुआ है, जिसके चलते थोड़ी सी परेशानी है। तो आप अपना ध्यान रखें, आने वाले दिनों में समय कामकाज को बहुत सोच समझ कर करेंगे तो आपका समय थोड़ा बेहतर जरूर होगा। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों का समय बढ़िया है। चंद्रमा आप ही की राशि में गोचर कर रहा है, मन शांत रहेगा, प्रसन्नता रहेगी। जितने भी काम है उनको आज आप तेजी से संपन्न करेंगे तो जरूर लाभ होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातकों का समय ठीक नहीं है, लेकिन आज दोपहर के बाद से वो थोड़ा सा सामान्य जरूर होगा। तो अपने जितने भी आवश्यक कार्य हैं उनको दोपहर के बाद से संपन्न करें। कामकाज की स्थिति थोड़ी सी बेहतर रहेगी। यदि शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में कोई काम करना चाहते हैं तो जरूर सफल होंगे। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया है। जरूरी काम सलाह लेकर करें, प्रेम संबंधों से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें, आपकी यात्रा सुखद और लाभकारी जरूर रहेगी। अगली राशि की बात करते हैं जो कि तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत बढ़िया है। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की तुलना में काफी बेहतर स्थिति बनेगी, मन प्रसन्न रहेगा। सलाह यही है कि जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको तेजी से संपन्न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगली राशि की बात करते हैं जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज बहुत बढ़िया है, मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य स्थान में चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य को मजबूत बनाएगा। धर्म आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, कामकाज की स्थिति बढ़ेगी, परंतु घरेलू परेशानी चिंताएं आपको थोड़ा तंग जरूर करेंगी। अगली राशि की बात करते हैं जो कि राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का समय भी आज दोपहर के बाद से सामान्य हो रहा है। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। आपके जितने भी आवश्यक कार्य हैं उनको आप तेजी से संपन्न करें, कार्य क्षेत्र में एक नई ऊर्जा आपको जरूर प्राप्त होगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि मकर राशि है। मकर राशि वाले जातकों का समय आज ठीक नहीं है। कामकाज को लेकर थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, मन थोड़ा तनावग्रस्त रह सकता है। प्रेम संबंधों से बचने की कोशिश करें और धैर्य रखें, चिंता ना करें, आने वाले 2 दिनों के बाद समय स्वतः ही ठीक होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले जातकों का समय लगातार बेहतर बना हुआ है। मन शांत रहेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी, विरोधी पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर बना रहेगा, अपने कार्यों को तेजी से संपन्न करें। अगली और अंतिम राशि की बात कर लेते हैं जो कि मीन राशि है। मीन राशि वाले जातकों का समय आज बहुत शानदार बन रहा है, बहुत मजबूत स्थिति है। माता पिता, संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता और शासन से जुड़े हुए कार्यों में आज आपको बहुत सफलता प्राप्त होने जा रही है।